आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों को साधने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाकर यही संदेश दे दिया है। पीडीए यात्रा में अखिलेश यादव एक्सप्रेसवे पर बैंड बाजा के साथ में निकले। इस दौरान सपा नेताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। अखिलेश यादव के पहुंचने के बाद समर्थक बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे और सड़क पर ही दौड़ने लगे। कई समर्थक पोस्टर लेकर वहां पर पहुंची थी, इस पर लिखा था राजनीतिक ताकत के लिए समाजवादी पीडीए यात्रा। वहीं पीडीए यात्रा में शामिल होने से पहले अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीडीए में ए फॉर का मतलब होता है अगड़ा, पीडीए यात्रा में सब शामिल है, पिछड़े अल्पसंख्यक दलित और अगड़ों की भी बात कर रहा है, इसमें आदिवासी समूह भी है तो अगड़े भी है, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये यात्रा पहले से चल रही है। पीडीए यात्रा इसमें सब शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े दलित आदि आबादी की भी बात कर रहा है, वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं, और उसका उदाहरण आप देख रहे होइए। तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पीडीए यात्रा पहले से चल रही है, लगभग 5000 किलोमीटर ये छात्र नौजवान और पार्टी के संगठन के लोग चल चुके हैं, 100 से ज्यादा विधानसभाओं में गए हैं, कई महत्वपूर्ण लोकसभाओं से होकर के आ रहे हैं, ये पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और आखिरकार ये आखिरी में यात्रा 22 नवंबर से पहले सैफई और इटावा में ख़त्म होगी। आज क्योंकि ये लखनऊ पहुंचे हैं, इसलिए इस यात्रा में मैं खुद शामिल हो रहा हूँ।